नहीं, मैं डेली सुबह चालान कटवा के आता हूँ, जाते हुए भी चालान कटवाऊंगा। घर बड़ा हुआ है, मैं ले लूंगा। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है हमारे महकमे का। भी बंदा जो हेलमेट नहीं पहनता उसको भी आप जो है चालान शुरू करें। ये तो फिर दाव है ना कि आवाम को लूटा ही जा रहा है। इंशाल्लाह लेके निकलेंगे हेलमेट भी और ट्रिपलिंग भी नहीं करेंगे। जब तक लोग पहनेंगे नहीं हम इसी तरह कार्रवाई करेंगे। तमाम लोगों को हेलमेट पहनाएंगे लाहौर में। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के पेपर चेक करवाना है, आप हेलमेट नहीं पहन के आए? सर हम यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में। हेलमेट तो ज़रूरी है ना, ये जब बाइक आपने खरीदी है तो हेलमेट भी खरीदना था। भूल गए थे, हेलमेट ज़रूर पहनते हैं। अपना आईडी कार्ड और गाड़ी के पेपर चेक करवाना है। सर घर है, आईडी कार्ड है। ये क्या लेके जा रहे हैं और हेलमेट क्यों नहीं पहने? सर फ्रिज ऐसे हो कहम है, ये हमारा सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसके साथ हम टांके लगाते हैं। हेलमेट क्यों नहीं पहना? सर भूल गए थे। सर भूलने की कोई माफ़ी है? नहीं सर, कोई माफ़ी नहीं है, चलान है बस। इनको डबल कोड में चलान करने लाइसेंस बना है, लाइसेंस भी नहीं इन्होंने बनवाया। इनको लाइसेंस का और हेलमेट का चलान कर रहे हैं। दे आईडी कार्ड, दे करते आईडी कार्ड नंबर यार। आईडी कार्ड भी नहीं पास, आईडी कार्ड निकाले ना। डबल ना करें आपकी मेहरबानी होगी। आप लोग पहनते ही नहीं हेलमेट ना? सीरियसली पहनते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल मेरे नाम। हेलमेट क्यों नहीं पहन के आए आप? सर ये इधर रहते हैं ठोकर पे, हमारी रहाइश है तो हेलमेट मेरे पास है नहीं। बेटा आपका डबल कोड में चलान कर रहे हैं, अभी जब घर से निकलना है हेलमेट पहन के निकलना है। आपने हेलमेट मंगवाना है तो हम आपकी बाइक छोड़ेंगे। अगर आप हेलमेट नहीं मंगवाएंगे तो आपकी उस वक्त तक ये बंद होगी गाड़ी। अकेला ही भाई हूँ तो सर जी किसी को फ़ोन करें। ये आपके जो साथी है ये घर से ले आए हेलमेट। नाम क्या आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल सर ये ट्रिपलिंग भी कर रहे थे? जी ये ट्रिपलिंग भी कर रहे थे। इनको अभी मैं डबल कोड में चलान कर रहा हूँ और ये तो अपना हेलमेट लेके आएंगे फिर इनकी गाड़ी छोड़ेंगे। हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, ट्रिपलिंग भी कर रहे हैं, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, घर से कोई खुदकुशी करने निकले हैं? खुदकुशी नहीं यार, आपको पता स्टूडेंट है, दरअसल हम सुबह 8 बजे का कॉलेज है और अब छुट्टी हुई है। अच्छा, स्टूडेंट तो कार्ड नहीं दिखाया इनको? स्टूडेंट कार्ड नहीं बना हुआ। फिर कैसे मान लें आप स्टूडेंट हैं? हमारे पास बैग, ये यूनिफॉर्म तो कोई भी पहन के आ सकता है, बैग भी कोई लेके आ सकता है। स्टूडेंट कार्ड नहीं है तो कैसे मान लें? स्टूडेंट कार्ड आप घर है, आईडी चेक कर लें। किस कॉलेज स्कूल पढ़ते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अहमद इंस्टीट्यूट से, उधर से मेडिकल कॉलेज, मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ। तो ये अफसोस, कोई शर्मिंदगी हो रही है कि आपको रोका गया? अफसोस हो रहा है सर जी, बहुत शर्मिंदगी हो रही है, बट हमें पता नहीं था ऐसा, अब पता चल गया है। आप इंशाल्लाह लेके निकलेंगे हेलमेट भी और ट्रिपलिंग भी नहीं करेंगे। सर बताइएगा, आपने हेलमेट आगे रखा हुआ है, विक्ट्री का निशान बना रहे, कोई अचीवमेंट की आपने? अचीवमेंट नहीं, आप वीडियो बना रहे थे, मैंने कहा वैसे भी तो खड़ा हूँ। क्या कहना चाहेंगे, हेलमेट होने के बावजूद नहीं पहनते? मेरी बात सुन लें, मैंने कानून तोड़ा, ठीक है, हेलमेट मेरा आगे था, 3 लोग हम बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाह रहा, ये गलत मैंने किया है, ठीक है, उसका मैंने चलान कटवा लिया बगैर किसी एक्सक्यूज के। नदामत है कोई? हाँ जी है, ठीक है, क्योंकि कानून तोड़ा है, ठीक है, आइंदा आइंदा कोशिश करेंगे इसकी। अभी चलान आपने कटवा लिया फिर 3 लोग बैठेंगे, ऐसे ही आगे चले जाएंगे? जारी सी बात है, मैं इधर तो नहीं ना छोड़ सकता, अब मैंने सिर्फ इधर तक जाना है, एक मैंने सवारी को छोड़ देना फिर मैं आगे चला जाऊँगा। कहाँ से आ रहे हैं और क्या ऐसे ही सफ़र करते हैं? जी मैंने क्या, आ कहाँ से रहे हैं और क्या ऐसे ही सफ़र करते हैं? नहीं, आपको क्या लगता है ऐसे ही सफ़र होता है? आज तो ऐसी लग रहा है। मैं डेली सुबह चालान कटवा के आता हूँ, जाते हुए भी चालान कटवाऊंगा। डेली बच जाते होंगे, आज पकड़े गए? नहीं ऐसे बात नहीं है, ये पुलिस अब बहुत एक्टिव है, हर जगह पे खड़ी होती है, इसी तरह बैरियर्स लगा के ये पकड़ लेते हैं, ठीक है, और वैसे भी कोई शौक से नहीं करता, बस ये है कि इस वक्त कन्विंस मिल नहीं रही थी इन ड्राइव पे, इसलिए मैंने एक को बैठा लिया। ये बताएं कि जब आप लोग इस तरह का कर रहे हैं, जब आप लोग ठीक है, जब आप लोग सड़क पे जा रहे होते हैं आगे नाका लगा ट्रैफिक पुलिस का, तो दिल में या ज़हन में क्या ख्याल आता है कि दाएं बाएं हो जाएं, रुक जाएं? नहीं नहीं, मेरी बात सुने, मेरा हेलमेट मेरे पास है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास नहीं है, वो मैंने इनसे बात कर लिया, ठीक है, आईडी कार्ड में मैंने चलान कटवा लिया, ये मेरे सर पे होता है, सिर्फ इधर ना सफोकेशन हो रही थी मुझे, ट्रैफिक ब्लॉक थी, इस वजह से मैंने ये उतार के आगे लटकाया, ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके बगैर नहीं चलाता भाई। सर क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों को हबस से मसला होता है गर्मी से, कोई छूट है इसमें? नहीं नहीं कोई छूट नहीं है, ओपन वाला ले लें, मैंने देखे ओपन वाला हेलमेट पहना हुआ है, ओपन वाला हेलमेट लेके आप ये पहन लें। कनार रोड है, ये फास्ट ही रोड है,
ये जो हेलमेट की मुहिम चला रहे हैं आप बताएं इस ये ठीक है या नहीं? ठीक है साहब की बात, तो फिर आप इसकी पाबंदी करवाएं। ये आपका इसमें फ़ायदा है, आपके घर वालों का फ़ायदा है, आप सेफ रहेंगे, आपकी जान की हिफाजत है। तो आप काइंडली हमें जो आई डी कार्ड या लाइसेंस चेक कराइएगा। आई डी कार्ड तो दें, गाड़ी के कागज़ चेक करा दें। जीरो टॉलरेंस है इसमें, हमारे महकमे के पुलिस डिपार्टमेंट के बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारे अफसरान बाला की तरफ से हुक्म है कि महकमे का भी बंदा जो हेलमेट नहीं पहनता उसको भी आप जो है चलान जो इशू करें, लिहाजा ये ज़ीरो टॉलरेंस है आपके। काइंडली घर बड़ा हुआ है, मैं ले लूँगा। टाइम अब तो नहीं रहा अभी, मैं कह रहा हूँ कि घर बड़ा हुआ है, कल से मैं पहन लूँगा। 35202 सर अपना आई डी कार्ड या लाइसेंस दीजिएगा प्लीज़। बढ़ के आप कनार रोड मॉडल रोड है हमारी, उस पर आप ट्रैवल कर रहे हैं। सर आप कहाँ जा रहे हैं सामान लेकर, हेलमेट नहीं पहना हुआ? एक्चुअली ड्यूटी पे जा रहे हैं तो हेलमेट भूल गए आज। नहीं बोले नहीं, वो हेलमेट किसी को दिया था तो वो कोई लेकर गया था, हमें अचानक जाना पड़ा तो इस वजह से फिर हेलमेट। क्या समझते हैं हेलमेट के बगैर ड्राइविंग? हेलमेट सेफ्टी है पता है, हेलमेट इसीलिए तो ख़रीदा हुआ है, तो कभी ऐसा हो जाता है कि एमरजेंसी में जाना पड़ जाए तो फिर बंदा हेलमेट नहीं मिला तो फिर इस तरह हो। कम से कम दुकानदार की थोड़ी जी तो हया करे, असं तो इंसाए हाँ, बड़ी कदर करने हैं। अच्छा तुम मनु कैप्चर कर रहे हो, आप अच्छे लग रहे हैं ना। आपके बच्चे की बच्चे क्या है? एग्री कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सर, एग्री विद यू। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं इसलिए ये हेलमेट इसको दे रहे हैं। मैं तो बूढ़ा बंदा हूँ, मैं दिल का मरीज हूँ, मैं सर डांप नहीं सकता, मेरे मुंह को जितनी देर तक हवा नहीं लगेगी मेरे। बनवा लेना आप, अगर आपने हेलमेट का इसमें बनवाया था, आई रिमेंबर मैं बनवाया था, मगर नहीं अभी जेन में नहीं है, मैं गलत बयानी क्यों करूँ, असल में हम दुकानदार लोग हैं। बिल्कुल इज्जत रिस्पेक्ट आपकी हर लिहाज से, इंशाल्लाह हम कभी भी किसी सूरत में भी कानून नहीं तोड़ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली। अली साहब आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ इसलिए आपको मैंने रोका, और आपको फाइन करेंगे, हम अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस अपना चेक करवा दें। दूसरा ये बताएं आप हेलमेट क्यों नहीं यूज़ करते, मतलब इतने दिन से हम चलान भी कर रहे हैं, कंपेन भी चल रही है इसके लिए, हम एजुकेशन भी दे रहे हैं और बार बार मैसेजेस भी चलते हैं फेसबुक पे भी और दूसरे मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो फिर भी हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? मैं सर अर्जेंट जो है ना एमरजेंसी निकला था एक काम पे, तो इस वजह से मुझे याद नहीं रहा पहना, नहीं तो मैं हमेशा जो है ना हेलमेट पहन के निकलता हूँ। इसमें मेरी गलती है, अगर आपने जुर्माना करना है तो जनाब कर लें। फाइन इस पे डेफिनेटली आपको फ़ाइन होगा, और ये है कि नेक्स्ट टाइम आपको इस पे डबल फाइन होगा। अभी आप अपना लाइसेंस आईडी कार्ड चेक करवा दें। लाइसेंस तो नहीं है मेरे पास, आईडी कार्ड है, वो मैं आपको दे देता हूँ। लाइसेंस नहीं बना हुआ आपका, डबल फाइन होगा आपका लाइसेंस का भी और इसका आईडी कार्ड का। करते हैं कोई बात, आईडी कार्ड दिखा दें जी आप। सर कितना जुर्माना हो रहा है जी? ये फिलहाल तो इसको 400 फाइन कर रहे हैं हम, 200 जो है उसका हेलमेट का, 200 लाइसेंस का। भाई आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आपको जुर्माना हो रहा है, हंस रहे हैं? कोई बात नहीं यार, हमारी गलती है, हम रॉन्ग थे, तो जुर्माना तो अब पे करना पड़ेगा हमें। ऐसे ही आप बाइक चलाते हैं हेलमेट के बगैर लाइसेंस? बाइक को पहले यही बता रहा हूँ कि मैं जो है ना एमरजेंसी इधर आने वाला काम में, तो वो ना मुझे याद नहीं रहा पहनना। क्या नाम है आपका? रियासत भाई आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, क्यों नहीं पहना हुआ? पहले गया था शहबाज शरीफ से ना, जिसे कब्रिस्तान नहीं बनाया कमीशन, अज उ गया ना उनकी वजह तो फिर उत्तर मुंडा ने ताला मार छा, ताला मारते फिर वो लिया नहीं रहा। मुलाजम हो किड़े महकमे? तो अभी तो हमें ऑर्डर ये है कि जिस महकमे का बंदा जी हेलमेट नहीं पहनेगा ना उसको लिख के भी भिजवाएंगे, डिपार्टमेंट को भी उसके खिलाफ लिख के भी भिजवाएंगे और फाइन भी डबल करेंगे। एक करा अच्छा माफ़ी दे दो, देखो आप आई डी कार्ड ले ला से आप है पी एच मुलाजम हाँ, तो हूँ गए था असं रेवेंट कब्रस्तान नहीं बनाया ये शहबाज शरीफ हरा, नहीं तो हेलमेट क्यों नहीं पहना यार? उत्थे असी ना इतने जैसे समान नहीं रखते, कमरा तो थोड़ा दिता है सानू, ये कहा भी वो तो शरद ना शादा चौंक ना नाल ही मीरदार चौंक दे किसी पला देते रखने समान, वो फिर ताला मार गया, ताला मार गया तो फिर ये कहा तू ही चलान करना चलान कर दे। तो हेलमेट तो बाइक के साथ रहता है ना जी, मसला ये है कि जनरली लोग इसको ना अपनी मतलब सेफ्टी का हिस्सा नहीं समझते, बस एक ज़रूरत समझते हैं कि चलान से बचने के लिए पूरी मजबूरी समझते हैं, तो उसको कहीं भी रख के तो ताला लगा दिया, बाइक को तो ताला नहीं लगाया इन्होंने। नहीं
मैं सर से बात कर रहा था कि जितनी रिस्ट्रिक्शन के साथ आप चलान काट रहे हैं विदाउट हेलमेट, आप उसी चाहत के साथ गवर्नमेंट प्रोवाइड भी तो करे ना हेलमेट। अगर हेलमेट मियार का नहीं है तो उसका फ़ायदा नहीं है। कम अज़ कम मौजू और मियारी हेलमेट, कम अज़ कम यूनिट का जो जेन्युइन है उसके लेवल का मुनासिब प्राइस में आम बंदे को मिलना चाहिए। यहाँ पे दें लोगों को, चौको चौराहों पे रखें। आपने हेलमेट पहना है फिर आपको क्यों रोका है? नहीं मुझे रोका नहीं, मैं खुद रुका हूँ कि जब हम एक चीज़ कर ये तो फिर दाव है ना कि आवाम को लूटा ही जा रहा है किसी ना किसी चक्कर में। क्या आपने आप शिकायत लगाने आए हैं? शिकायत नहीं, मैंने पूछ रहा हूँ कि जब आप ये कर रहे हैं तो आपको उस पॉलिसी को बढ़ाने के लिए बेनिफिट भी तो देना चाहिए ना। गवर्नमेंट कह गया इस कंपनी का हेलमेट आप किसी भी जगह से इतनी प्राइस में ले सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर यूनस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये जो नाकाबंदी की गई है कई रोज़ हो चुके हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है जो शहरी हैं उनकी तादाद में कमी आ रही हो जो वायलेशन करते हैं? सर पहले की नस्बत तो बहुत कम, ये ख़ास तौर पर किनार रोड पर, किनार रोड पर बहुत ज़्यादा नाके लगाए और हम किसी को नहीं जाने दे रहे और साथ में मोटरसाइकिलें बंद कर रहे हैं। लोग हेलमेट लेके आते हैं तो फिर हम उनको छोड़ते हैं और लाइसेंस के हवाले से भी लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं, साथ साथ लाइसेंस का भी कोड लगा के चलान कर रहे हैं कि आप कम से कम पहले लर्नर तो बनवाएं ना, लर्नर के साथ साथ फिर पक्का लाइसेंस बन जाएगा। डबल जो चलान हो रहा है उसके बारे में बताइएगा। डबल जिसके पास लाइसेंस नहीं है और हेलमेट नहीं है उसको आज से डबल कोड में चलान कर रहे हैं, 400 रुपये चलान कर रहे हैं और उनको साथ ब्रीफ कर रहे हैं कि आइंदा आपकी गाड़ी बंद होगी अगर आपने दोबारा वायलेशन की। जिनको रोका जाता है वो अक्सर लोगों को काले करवाते हैं, अभी भी देख रहे हैं कुछ लोग काले करवा रहे हैं, तो कहाँ कहाँ से प्रेशर आता है? सर अभी ज़ीरो टॉलरेंस है अफसराने बाला की तरफ से, ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी की बात नहीं सुन रहे। आपने देखा होगा मैंने किसी का फ़ोन नहीं सुना है, जो भी आ रहा है चाहे कोई मुलाजम बता रहा है हम उसको स्पेयर नहीं कर रहे, उसको ज़रूर जो है ना वायलेशन पर चलान दे रहे हैं। सर इस नाके के बारे में बताइएगा, क्या प्लान क्या है, ये कब तक ऐसे नाके लगे रहेंगे, कब तक इस तरह लोगों को रोका जाएगा, चेक किया जाएगा? सर हम इंशाल्लाह अफसराने बाला के वीएन के मुताबिक जब तक उन्होंने हमें मतलब ये डायरेक्शन दी है कि नाके लगा के किसी को स्पेयर नहीं करना, कोई नाका से आगे गुजर के ना जाए बगैर हेलमेट, पूरी कोशिश कर रहे हैं। देख लें आपके सामने पहली वाली लाइन में लोग जाते हैं, हम वहाँ से निकाल के ले आते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब तक लोग पहनेंगे नहीं हम इसी तरह कार्रवाई करेंगे, तमाम लोगों को हेलमेट पहनाएंगे लाहौर में।